ऐसे करो ऐसे ऐसे। यस सुनने में दिक्कत आ रही है तो फिर ये टॉन्सिल निकालने से क्या? देखो कितने दिन मिलने आए हैं आपसे। हाँ यस ओपन योर माउथ। आ ऐसे करो ऐसे ऐसे। यस पीछे दिखाओ आ बोलो। फर्स्ट क्लास। अच्छे दोनों टॉन्सिल को सड़ आए हैं। सो क्या दिया इनको? आइसक्रीम कौन सी मंगाए आपके लिए? ठीक है ना, आइसक्रीम दे सकते हो, माजा दे सकते हो, कर्ड दे सकते हो, लस्सी दे सकते हो, ठीक है ना, और कोई सेक वगैरह दे सकते हो। तो ठंडी ठंडी चीजें क्या है, शुदिंग रहती है गले के लिए, ठीक है ना। और जैसे आज अब डिस्चार्ज कर देंगे, डिस्चार्ज करने के बाद में घर जाने के बाद के अंदर जैसे लिक्विड है, दूध दलिया खिचड़ी, ठीक है ना, दूध में रोटी डाल के हलवा बना के, दूध ब्रेड है, ये सब चीज दे सकते हैं। ठंडी चीजें हाँ, मसाले की चीजें अभी थोड़ा सा नहीं देना है। वॉक कर सकती है, घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई टीवी देखना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बच्चे बड़ों से जल्दी ठीक होते हैं। बड़ा आदमी अपना दुख लेके बैठा रहता है, बड़े बच्चे घर जाके मस्त हो जाते हैं, बोल ठीक जाते हैं ये है। एंड भी। या ईयर में बहुत सारा ग्लू निकला था इसके। ग्लू मतलब कान के पर्दे के पीछे फ्लूइड इकट्ठा था, जिससे इसको सुनाई भी कम देता था बच्ची को, है ना। तो वो भी निकाल के अंदर एक ग्रोमेट लगा दिया है। सो अब बिल्कुल बढ़िया है, नहीं फर्स्ट सर, क्लास है। सुनने में दिक्कत आ रही है तो फिर ये टॉन्सिल निकालने से क्या? हाँ, इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक यूनिट होता है, जैसे दोनों टॉन्सिल और नाक के पीछे एडिनोइड, ये तीनों मिलके सांस के रास्ते को बंद कर लेते थे, उससे तो मुंह से सांस आता था। दूसरा क्या है, ये तीनों मिलके जो हमारे कान जो से इधर फुला हुआ है वो नाक के पीछे के हिस्से में भी खुलता है, तो उस ट्यूब को भी बंद कर लेते थे, जिसके कारण पर्दे के पीछे फ्लूइड इकट्ठा हुआ था, बट वो इतना अप्रिशिएट नहीं हो रहा था। आपने देखा होगा गाँव में कान बड़े लग जाते हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट कारण होता है। तो अब क्या है कि जैसे सोएगी तो वो स्पेस बन गया, तो अब आराम से उसको ब्रीदिंग आएगा। अब जैसे मान लो बच्चे की आदत पड़ गई, अगर ये माउथ माउथ ब्रीद भी करती है, तो अब इसको मुंह बंद आप कर दो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी माउथ ब्रीदिंग करने की। सो बिल्कुल बढ़िया है। यूरिन पास किया इन्होंने। पलक पलक जो हमारे पेशेंट है, ऐसी है बेसिकली कंप्लेंट ऑफ द एडिनो टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी, यानी एडिनोइड और टॉन्सिल्स बड़े हुए थे, जिसके कारण इनको माउथ ब्रीदिंग होती थी। एंड देन दे कंसल्ट फॉर माउथ ब्रीदिंग। हमने एडिनो टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी की है। द इम्पोर्टेंट थिंग कि दिस सर्जरी इज एंटायरली एंडोस्कोपिक। जैसे आप इस सूर्या को देख रहे हो, इसको बाहर से कोई चीर फाड़ टाका पट्टी दर्द निशान ऐसा नहीं है बिल्कुल। एंड ये जो है आज कल हमने किया था, आज सेकेंड डे, द रिकवरी इज वेरी फास्ट। अभी ये ओरल ले सकती है आराम से, अभी हम इनका डिस्चार्ज कर देंगे एंड 10 डेज बाद दिखाना है। सो अगर किसी बच्चे को आफ्टर द 4 ईयर माउथ ब्रीदिंग है, सुनाई कम देता है, बार बार दिक्कत होती है, तो डेफिनेटली यू कंसल्ट टू द डॉक्टर फॉर द एडिनो टॉन्सिल प्रॉब्लम, जिससे आगे इन सब चीजों का कोई दुष्परिणाम नहीं हो। हमारे साथ इनके फादर हैं, आपकी गुड़िया है ना। सो वी वांट टू जस्ट शेयर द एक्सपीरियंस कि इनका कैसा बेसिकली एक्सपीरियंस रहा। इनको है ना सुनने में दिक्कत हो रही थी, जैसे पास से बोलते हैं ना तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता था, जब तेज बोलते थे तो सुनाई देता था। मैं पहले भी यहाँ डॉक्टर साहब को दिखा चुका हूँ, मैंने खुद ही नाक की सर्जरी करवाई थी, तो मैं सीधा यहीं इनको यहीं लेके आ गया, तो इनको दिखाया डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने एडवाइस किया कि ये इनको दिक्कत है थोड़ा, तो इनका छोटा सा ऑपरेशन होगा भाई एंडोस्कोपी के द्वारा। तो इन्होंने 22 तारीख को मेरे को सजेस्ट कर दिया, मैं 22 को आ गया, इन्होंने कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट है आज। आपको यहाँ कोई दिक्कत हुई? ना कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। सो आप क्या एक इम्पोर्टेंट मैसेज, आप जैसे आपने बताया, क्या अगर किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल डॉक्टर साहब को सजेस्ट करना चाहिए हमको, डॉक्टर को दिखाना। बिल्कुल डॉक्टर जैसे ये बता रहे हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई है कि जैसे अगर डॉक्टर ने कोई सजेस्ट किया है तो उसको तुरंत उसको इत्मीनान में लाने के लिए उस बात को फॉलो करना चाहिए। सर्जरी बताइए तो सर्जरी कराना चाहिए, दवाई बताइए तो दवाई देनी चाहिए, जिससे बच्चे को अपने प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।